कैंपर वैन। ऑफबीट प्लेस पे लेके घूमना जितना टफ है ना, उतना ही आसान उसको एक टूरिस्ट प्लेस पे लेके घूमना है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ऑफबीट प्लेसेस पे जा रहे हो तो कैंपर वैन आपको नाइट स्टे के लिए नहीं है, और अगर आप टूरिस्ट प्लेस पे आ रहे हो तो भाई साहब आपकी ट्रिप में चार चांद लग जाएंगे। बाय द वे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद। क्या कह रहे हो राणा जी? राइडिंग विद। यस। वाह मजा आ गया, चाय पीना तो मतलब कांच के गिलास में चार चांद और लग जाते हैं। फिलहाल हम लोग बैठे हैं अभी पंचमढ़ी में, हमने अपनी कैंपर वैन कर दी थी पार्क। कल रात को हम लोग पहुंच गए थे पंचमढ़ी और हमने सोचा था कि सुबह उठकर आराम से चिल मारते हुए फिर जब दोपहर हो जाएगी हम लोग घूमेंगे पंचमढ़ी का फॉरेस्ट एरिया। लेकिन वो कहते हैं ना, एक नए प्लेस पर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप तरीके से घूम नहीं पाओगे, तो वही हुआ हमारे साथ। पता लगा कि वेडनेसडे के दिन यहाँ पे 12 बजे तक ही फॉरेस्ट एरिया के जो पॉइंट्स हैं वो ओपन रहते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। तो आज 12 बज चुके हैं, हम लोग वो सारे पॉइंट आज घूम नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमें कल का वेट करना पड़ेगा। बाकी अगर लोकल साइट देखनी है तो वो प्रॉपर ओपन है, आप जा सकते हो, घूम सकते हो। तो आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि अपने मैकबुक की चार्जिंग हो गई है ख़त्म और यूपीएस उसके अडेप्टर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमें लेना पड़ेगा होटल ताकि हम लोग जो पेंडिंग व्लॉग्स हैं उनको एडिट कर सके और आप लोगों के लिए लाइव कर सके। तो सोच रहे हैं आज हम लोग लेंगे होटल और पूरे दिन में दोनों तीनों व्लॉग एडिट कर लेंगे ताकि आप लोग उसे देख पाओ। फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फॉरेस्ट वाला एरिया देखने के बाद यहाँ से मूव ऑन करेंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। यू नो टूर के दौरान हम व्लॉगर्स के फ़ोन गिरते रहते हैं, तो काफ़ी बार बेचारा गिर पड़ा हो चुका था, तो उसके टेम्पर का हो चुका था काम। तो जैसे तैसे करके अभी एक टेम्परेरी इसके ऊपर हम लोग टेम्पर्ड ग्लास लगवा रहे हैं ताकि अपने फ़ोन की लुक थोड़ी सी बनी रहे, वरना फिर यार टच भी काम करना बंद कर जाता है जब टेम्पर टूट जाता है। तो अच्छा है पंचमढ़ी में मिल गया। फिलहाल अभी है हम लोग पंचमढ़ी की मार्केट में जहाँ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, आए अपना घूमे फिरे, शॉपिंग करें, एंजॉय करें। तो बेसिकली हम लोग पहुंच गए हैं पंचमढ़ी और ये मेरे पीछे देखो। अब आप सोच रहे होगे कि ये पंचमढ़ी का नज़ारा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली। अब मैं दिल्ली क्यों आया आपको थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जहां से हमारा चैनल स्टार्ट हुआ, मतलब जहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली, आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ दिल्ली के अंदर। तो स्टार्ट करूँ, मिलवाऊँ पक्का? चलो 1 2 3 Go! क्या बात सैम, कोई इतना हम्बल कैसे हो सकता है भाई, कोई इतना ज़्यादा हम्बल। तो हम मिले हैं आज चिंतामणि भैया से, आपने देखा होगा पहला वीडियो, अगर छत्तीसगढ़ की सीरीज़ नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो चिंतामणि भैया के साथ आए हैं डॉक्टर राहुल भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और सैम भाई आप इतना बढ़िया ग्रो कर रहे हो, इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो, देख के बड़ा अच्छा लगता है, तसल्ली मिलती है। ये सर ये सिर्फ आपकी कही हुई बातें हैं जो मैं आज फॉलो कर रहा हूँ। आप डे वन पे जितना जैसे जिस तरीके से मिले थे आज भी वैसा ही मिल रहे हो और ऐसा ही रहना हमेशा, बिल्कुल कभी भी सक्सेस को सर पे नहीं चढ़ने देना है। जरूर तो काम करते, तो सीपी घूमते जब सीपी आए, क्योंकि मैं तो घूमा नहीं दिल्ली में रहते हुए, सीपी नहीं घुमा सैटरडे संडे, तो आज भैया के थ्रू आज मैं भी घूम ही लेता हूँ। चलो भी हम लोग को भी घुमा दो भाई, चश्मा भी लेना है और टी शर्ट भी लेना। जरूर, तो चलो शुरू करते हैं सीपी घूमना। पालिका मार्केट से निकल के हम लोग बाहर की तरफ आ गए, लेकिन भैया वहाँ जाके थोड़ा सा घबरा गए। हाँ इतना ज़्यादा भीड़ था ना और इतना चिल्ला रहे थे सब, मेरे दे लो, मैं तो घबरा के बाहर आ गया। और साथ में हमारे अनुज भैया। तो एक्चुअली हुआ क्या वहाँ पे, जैसे हम लोग अंदर गए ना तो वहाँ पे आपको पता है सीपी का क्या माहौल है, पीछे पड़ जाते हैं, ले लो ले लो ले लो,
भैया कह रहे ये मेरे पास देख ही रहेंगे, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। ऐसा हो गया था। और रेट भी बहुत उल्टे दिए रेट। तो फिर वहाँ से निकल के आ गया। नहीं, आप अगर 1000 रुपए बोला ना, बार्गेनिंग करोगे ना सही से, वो तुम्हें 150 रुपए में दे देंगे। 1000 से सीधा 150 रुपए में आ जाएंगे वो लोग। और वही नहीं आता मेरे को बार्गेनिंग करने का, यही होता है सीधे लोगों के साथ। तो रात का अंधेरा हो चुका है और हमने लगभग सीपी घूम लिया है, काफ़ी मज़ा आया चिंतामणि भैया के साथ मिलके। और साथ में हमारे यहाँ पे मिल आ गए हैं DOP डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। क्या बात क्या बात क्या बात। तो कैसा लग रहा है? इतनी हाइप मत बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हो गई थी मेरी जीजू से बात, आ रहा हूँ। तो जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा, यही हो रहा है। हम लोग सीपी में थे, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जीजा जी का फ़ोन आया, मैं जा रहा हूँ। और अभी भी यही हो रहा है कि हम लोग ढाबे पे आए, तो ढाबे पे भी बैठने के बाद क्या कह रहे हैं, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा। तो अभी यहाँ पे भैया कर रहे हैं चीज़ ऑमलेट टेस्ट, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, दिल्ली आने के बाद टेस्ट कर करके ही पेट भर रहा है। मैं खा कुछ नहीं रहा हूँ, सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ। और इधर लेफ्ट में कुछ दिख रहा है मोटा मोटा सा, ये टेडी बियर जैसा, अपने क्यूट अंकल बैठे हुए, कुछ कहो मजे लेने, कुछ ज्यादा मजे। हम टेडी बियर हो गए यार, ये क्या बात हुई यार। मैं इतनी दूर से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। नहीं वो तो ठीक है, टेडी बियर चलो चल जाएगा, कोई बात नहीं। अरे आप तो हमारी जान हो, ब्लॉग की शान हो। क्या बात एक बार कुछ तो बोल दो भाई। मैं एक ही चीज बोलूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 काम पहले करो। ब्लॉग देखते हो तो बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग शूट करने में। भाई साहब कहाँ से आए हैं, देखो दिल्ली ब्लॉग बना रहे हैं, इनको बहुत लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज। सो रात के बज गए हैं अभी 11:11 और समय हो गया है भैया को अपने गेस्ट हाउस पे छोड़ने का। आप भी रुक जाओ यहीं पे, गुड नाइट मिलेगा। नहीं मैं घर जाऊंगा क्योंकि मेरे को भी एडिटिंग करनी है। यहाँ पे भी एडिट कर सकते हो? मैं लैपटॉप नहीं लगाना, 2 लैपटॉप है राहुल के लैपटॉप पे, पर वो नहीं होगा ना मूवी भी आई। हाँ वो नहीं फाइनल कट तो है। हाँ तो टाइम हो गया, भैया को अभी गुड नाइट बोलते हैं, फिर कल का देखते हैं। भैया के पास समय होता है तो घूमेंगे, नहीं तो फिर जैसा भी वो बनाते हैं सब ऊपर वाले के ऊपर वाले के हाथ में, जैसा बनता है, जैसा राहुल जी चाहेंगे, हमारे राजा बाबू। और राहुल भैया को भी गुड नाइट बोलते हैं, बाय। फाइनली मैं घर पर वापस आ गया हूँ और पूरा दिन मैंने बिताया भैया के साथ में, और जितनी खातिरदारी मैं कर सकता था एक दिन के अंदर वो मैंने कोशिश की पूरी करने की। फिलहाल आगे कभी मौका मिलेगा भैया के साथ तो ज़रूर हम लोग राइड भी करेंगे और काफ़ी जगह एक्सप्लोर भी करेंगे। अब आती है बारी अपने ट्रिप के ऊपर कि मैं दिल्ली वापस क्यों आ गया। फिलहाल मैंने एक कैंपर वैन का छोटा सा ट्रिप प्लान किया था, जो मैंने सोचा था कि मैं एक MP स्टेट को कवर करूँगा, जिसमें मैंने 2-3 लोकेशन सोची थी, अपना तामिया, सेकेंड पतालकोट, तीसरा पंचमढ़ी। तो उससे पहले मैंने सोचा था एक हॉल्ट हो जाएगा अपना झांसी में, तो यही रूट मैंने अप्लाई किया। और इस रूट में मैंने सोचा था कि जो भी कमियां आएंगी उनके ऊपर वर्कआउट किया जाएगा, ताकि फ्यूचर में अगर मैं कोई बड़ा प्लान करता हूँ अपनी कैंपर वैन के ऊपर तो वो प्रॉब्लम्स मेरे को फेस ना करनी पड़े। कैंपर वैन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस जो आई अपने एप्पल के लैपटॉप को चार्ज करने के लिए, उसके लिए मेरे को होटल लेना पड़ा या फिर मुझे ढाबे के ऊपर बैठ के चार्ज करना पड़ा, जो मैं नहीं चाहता था करना वो मुझे करना पड़ा, क्योंकि व्लॉग भी एडिट करके आप लोगों के लिए डालने थे। तो ये वाली प्रॉब्लम मुझे सॉर्ट आउट करनी है, ताकि मेरा लैपटॉप अपनी कैंपर वैन के अंदर आराम से चार्ज हो सके इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी ट्रिप प्लान करता हूँ कैंपर वैन के साथ। अब इस कैंपर वैन के अंदर हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या कमियाँ हुई और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी हुई, इसके ऊपर मैं एक अलग से व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि जितने भी भाई लोग कैंपर वैन कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर उसे लेके घूमना चाहते हैं तो वो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। तो यही प्लान था मेरा, जो मैंने MP स्टेट कवर किया और इसके अंदर मेरे को सारी प्रॉब्लम्स मेरे नज़रों के सामने आ गई, जो मैं अब आने वाले टाइम में ठीक कर लूँगा, ताकि कोई भी ट्रिप प्लान हो हम अच्छे से अपने ट्रिप को एंजॉय कर सके, ना कि सिर्फ काम के अंदर व्यस्त रह सके। उम्मीद करता हूँ आपको कैंपर वैन्स के वीडियो पसंद आए होंगे। मैं ज़्यादा कुछ खास कर नहीं सका इस बार, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कैंपर वैन को रोड ट्रिप पे लेके जाना, तो इसीलिए उसको समझने में ही मुझे इतना टाइम लग गया कि मैं व्लॉग्स को प्रॉपर तरीके से बना नहीं पाया, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक नया एक्सपीरियंस मिला,
और आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब एक और नए रोड ट्रिप की प्लानिंग चल रही है, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, वो भी निम्बस के साथ में। लेकिन निम्बस की ओर के बहुत बुरी हालत जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कल वाले व्लॉग में, बेचारी बहुत दिन से ऐसी खड़ी हुई है। तो कल शुरुआत करेंगे अपने निम्बस के साथ व्लॉग में, ताकि एक नए रोड ट्रिप की प्लानिंग हो सके। बाकी इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके फॉलो कर लीजिए। रॉ फुटेज वाली फोटोज और स्टोरीज वगैरह, कोई भी सवाल जवाब करने हो तो मैं आप लोगों से डायरेक्ट पूछ सकूं, तो डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, जाके फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। टिल देन गुड बाय।